शादी के लिए ओंकार पर्वत परिक्रमा यात्रा निकाली। ओंकारेश्वर में निकली परिक्रमा यात्रा में दोनों ने भाग लिया। यात्रा में हजारों की तादाद में शिव भक्त शामिल हुए। मालूम हो कि बीते 9 सालों से लगातार ओंकार पर्वत परिक्रमा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद पूरी हुई। पहली बार बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी परिक्रमा में भाग लिया। ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ नेपाल और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का अपना महत्व है। सनातन को मानने वाला जो कोई भी तीर्थ करके आए उसको ओंकार पर्वत की परिक्रमा करके ही वो ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाता है, ऐसी मान्यता थी। हमने कभी भी धर्म के मामले में कभी राजनीति को बगल में नहीं आने दिया। आज आप देखें अपार जन समुदाय, अपार जन समूह, सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोग कहां से आ गए।